नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो इस नव वर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके लिए खुशियों से भरा हो, आप खूब तरक्की करें, खूब उन्नति करें, ऐसी हम ऊपर वाले से कामना करते हैं। और जो भी सपने आपने देखे हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, जो भी आपके लक्ष्य हैं, जो आप हासिल करना चाहते हो, वो आपको मिले, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचे, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो, ऐसी हम ऊपर वाले से कामना करते हैं। और बात करते हैं अपनी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके बारे में, कि कब होना, कब हो सकती है एग्ज़ाम्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान होगा, अभी तक यूनिवर्सिटी के द्वारा कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं दिया गया, सेमेस्टर वालों को छोड़कर। जो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट हैं उनकी एग्ज़ाम तो पता है आप सभी को जनवरी में होना तय है, और जो सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो एग्ज़ाम है वो मार्च मिड तक मानकर चलें आप। मार्च मिड तक आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होना तय है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा, ठीक है। और तैयारी के लिए मैं बता दूं, अभी भी आपके पास मोर देन 2 मंथ्स है। सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए 2 महीने से ज़्यादा आपके पास समय है। तो आराम से अगर आज भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो इजीली कवर हो जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये मोटिव है कि नया साल है तो नए साल से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो, जब 2023 के जब इतने दिन ही वेस्ट चले गए, तो और 10-12 दिन सही, या 5 दिन सही, या 2 दिन सही, शुरुआत नए साल से ही करते हैं। शुरुआत 1 तारीख से करते हैं, शुरुआत सोमवार से करते हैं, तो सारे दिन एक ही दिन है इस बार, उसी दिन नया साल है, उसी दिन 1 तारीख है, और उसी दिन सोमवार का दिन है, ठीक है। बहुत से लोग एक रिजोल्यूशन लेते हैं 31 को, 30 को, 31 को, कि इस 2024 में मैं ये करूँगा, 2023 में मैं ये करूँगा, 2022 में मैं ये करूँगा, 2021 में मैं ये करूँगा, लेकिन होता वो 2 ही दिन है। कोई फिटनेस गोल रखता है, कोई कुछ गोल रखता है, कोई किस चीज़ की रखता है, कोई किस चीज़ का रखता है, क्योंकि हमने भी रखे थे एक ज़माने में, तो वो अनुभव के आधार पे आपको बता रहे हैं कि कितने दिन होता है वो। फिर जब लाइफ में आगे बढ़े, नई चीज़ों का सामना किया, नई चीज़ें सीखी, तब पता चला कि हर एक दिन नया ही होता है। जैसे ही आँख खुलती है, जो दिन स्टार्ट होता है वो एक नया दिन ही होता है, आप उसको नई साल ही मान सकते हो, आपके जीवन का वो एक नया अध्याय ही स्टार्ट होता है जैसे ही आँख खुलती है। तो जब आप भी आगे बढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको भी लगने लग जाएगी कि हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, जिस दिन शुरुआत करोगे वही दिन नया साल होगा। ऐसे नहीं कि कल न्यू ईयर है या आज न्यू ईयर है तो कल से करेंगे, परसों से करेंगे, इतने दिन हर एक दिन ऐसे मान लो वेस्ट किया हुआ, आपको आगे उसका चुकाना ही पड़ेगा। तो समय को ख़राब ना करें, कंटिन्यू रूप से तैयारी करते रहें। आई स्टडी ऑनलाइन ऐप के ऊपर जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, एक एक दो दो पेपर्स बाकी हैं, किसी ईयर में एक पेपर बाकी है, किसी में दो पेपर बाकी हैं, इतना ही सिलेबस आपका बाकी है। 199 रुपये में आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी वैलिडिटी एग्ज़ाम ख़त्म होने तक रहेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हो, वहाँ आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है और आप ज्वाइन कर सकते हो। तो न्यू ईयर भी आ गया, कम से कम आप तो पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, अच्छा खासा समय पड़ा है। कोई स्टूडेंट ने अगर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कोई यूपीएससी तो है नहीं कि काफ़ी समय चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, आराम से हो जाएगा। 2 महीने अच्छे से पढ़ोगे, काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, तो बहुत अच्छा स्कोर आप इजीली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार के डाउट हो, तो आपको आई स्टडी ऑनलाइन हेल्प नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कोर्सेज के जब ऐप ओपन करके आप कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन में जाते हो, तो उस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में भी आपको हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट करने के काफ़ी सारे सोर्सेज आपको दिए गए हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ रेगुलर अपडेट के लिए उसको ज्वाइन करो आप। वहाँ पे आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट, आपके एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड अपडेट, कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे आपको वहाँ उस चैनल पे बताए जाते हैं, ठीक है।
तो तैयारी कंटिन्यू रखें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।